दिघा थाना क्षेत्र के पॉल्सन रोड में शादी समारोह के दौरान एक हर्ष फायरिंग करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपित नक्टा दियारा के सरपंच सुंदरी देवी के पति विमल राय उर्फ विमल गोप की तलाश तेज कर दी है। उसका नाम गुंडा रजिस्टर में भी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। हमने आपको सबसे पहली खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जो विमल राय है वो गोली बरसा रहा था और पुलिस उस पर दर्ज पुराने मुकदमों का अब तक जानकारी हासिल कर रही है। वहीं थानेदार राजकुमार पांडे ने भी बताया है कि हर्ष फायरिंग के मामले में सिर्फ विमल राय पर प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं आपको हम बताते चले कि 5 मई की रात दिघा के पॉल्सन रोड स्थित जो है एक आवास पर स्थानीय जनप्रतिनिधि की बेटी की शादी थी। वहां बारातियों के लिए जो है नृत्य करने का आयोजन जो है नृत्य जो करती हैं उनको बुलाया गया था। वहां पे बाल बलाओं को बुलाया गया था, वहां पे ठुमके लगा रही थी। वहां पे उस समय जब नृत्य जब चल रहा था तो विमल जो है वो स्टेज पर चढ़ गया। पहले उसने हवाई पैडिंग की, फिर बाल बलाओ के आसपास घूम घूम कर जो है गोलियां बरसाने लगा और इससे बाल बलाओ जो है वो काफी सहम सी गई, डर सी गई और वहीं स्टेज पर जो है वो गोलियां लगातार दाग रहा था। इसका वीडियो प्रसारित होने पर जो है राजधानी पटना की एसएसपी राजीव मिश्रा ने जो है संज्ञान लिया और प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। उसके बाद उसके हाथ में जो है साफ तौर पे दिख रहा था, जो रिवॉल्वर दिख रहा था उसको बताया गया कि वो गैर लाइसेंसी था। सोच लीजिए, गैर लाइसेंसी हथियार से विमल राय जो है पूरा घूम घूम कर पैडिंग कर रहा था। वहीं विमल की कई पुलिस पदाधिकारियों के साथ वाली तस्वीर और वीडियो भी एसएसपी को मिली है, जिस पर जांच जो है लगातार चल रही है। एसएसपी ने साफ तौर पर सबको कह दिया है कि जांच कीजिए और इसमें जो भी है उस पर कार्रवाई होगी। विमल राय की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। विमल राय अब फरार है। जी हाँ, सुंदरी देवी का पति फरार है और इसको लेकर के लगातार पुलिस जो है लगातार खोजबीन कर रही है। विमल राय उर्फ विमल गोप जो है वो किस तरीके से, कल हमने आपको तस्वीर दिखाई कि स्टेज पर चढ़कर बाल बालाओं जो जहां ठुमके लगा रही थी, जहां नृत्य कर रही थी, वहां पर विमल राय और विमल गोप किस तरीके से घूम घूम कर पैडिंग कर रहा था। वहीं स्थानीय दिग्गा थाना क्षेत्र के जो पुलिस है वो भी उनके मित्र बताए जा रहे हैं। उनकी तस्वीर उनके सबके सामने आई है, उनके साथ केक काटते हैं थानेदार जो है वो केक काटते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो कहीं ना कहीं राजीव मिश्रा जो पटना के एसएसपी है उनका एक बड़ा कार्रवाई जो है वो चला है, वो उनका जो डंडा है वो चला है। अब देखने वाली बात है कि विमल राय और विमल गोप जो कि सरपंच पति हैं, जो खुद को एक बाहुबली के रूप में जो है उभरता जो है दिखा रहा लोगों को चाह रहे थे, उनको कब तक प्रशासन जो है गिरफ्तार करती है या जो भी मामला होगा। और उनके साथ जो सम्मिलित पुलिस पदाधिकारी हैं जिनके साथ उनकी लगातार तस्वीरें जो है सबके सामने आ रहे थे, हम सबसे पहले आपको जो है खबर बताएंगे। और हमने पहले भी आपको बताया है कि किस तरीके से, हमने दिखाया भी आपको किस तरीके से विमल राय और विमल गोप जो है चढ़ता है स्टेज पर और किस तरीके से फायरिंग करता है। फिलहाल अब देखने वाली बात है कि प्रशासन के हाथ में गिरफ्त में कब तक विमल राय और विमल गोप आता है। MBC 24 के माध्यम से आपको जरूर पहुंचाएंगे। बने रहे हमारे साथ। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे थे, हमारे पेज को लाइक वाला कर ले। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे, चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।